बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है। ऐसे में पिछले दिनों काफी हादसे भी हुए, एक दो तीन जगह पर नदी नालों के करीब जो लोग जाते हैं डूब गए, एक बच्चे भी था एक। तो इस तरह जिला इंतजामी की तरफ से किस तरह की एडवाइजरी आप जारी कर रहे हैं ताकि लोगों को इस बात का पता चले कि घर से जब भी वो बाहर निकले, चाहे वो सफर के लिए निकले या जो दरिया नदी नालों के करीब जो लोग रहते हैं, जो भी झोंपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए किस तरह का मैसेज जिला इंतजामी की तरफ से रहेगा? देखिए, इस जमन में एक्शन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक नोटिस भी जारी किया है और एक कंट्रोल रूम सेट किया गया है यहाँ पर। और ये भी बताया कि जो फील्ड ऑफिसर जितने भी हैं धराली नाला में, थना मंडी के नाला में, गंभीर मोगलां के नाला में, सुखताओं में जब तक पानी पहुँचता है तब तक काफ़ी फ्लडी हो जाता है एरिया। और जहाँ जहाँ पब्लिक है, जैसे आपने कहा कि झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं या फिर जो माल मवेशी चराते हैं वो बीच में चले जाते हैं नाले में, और किसी जो है एक आइलैंड की तरह जगह होती है वहां पर बैठ जाते हैं और पता नहीं चलता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में काफी बारिश होती है, जब तक पानी कैचमेंट एरिया का पानी एकदम बढ़ जाता है उनको पता नहीं चलता, तब तक बड़ी काफी देर हो चुकी होती है। तो इस जमीन में इरीगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के एक्शन ने वो इन्फॉर्म भी किया है और कंट्रोल रूम भी बनाया है, जहाँ कहीं किसी को भी ये दिक्कत होती है कि अगर कोई ऐसी मुसीबत में कोई फंस गया है तो वो कंट्रोल रूम के साथ राबता कायम कर सकता है। SDRF की टीम भी इसके लिए बिल्कुल मुस्तैद है, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। जब भी कोई किसी को भी इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है तो आप कंट्रोल रूम में राबता कायम कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इस जगह पे लोग अटके हुए हैं। और मेरा ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि बरसात के दिन है, बरसात के दिनों में रजौरी में आए दिन बारिश होती रहती है और किसी भी टाइम पे किसी भी नाले में पानी आ सकता है। आप कोशिश करें नाले के अंदर ना जाएं, अगर अपने माल मवेशी भी चराने हैं तो साइड पे कहीं किसी जगह पे माल मवेशी चरा सकते हैं, या फिर मुस्तैद रहें, जैसे कहीं बारिश होती है तो अपने आप को नालों से नदियों से दूर रखें। सर, आने वाले दिनों में बूढ़ा अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, उसके लिए किस तरह के बंदोबस्त किए गए? देखिए, अभी कम से कम 1 महीने का टाइम है, लगभग 25 दिन का टाइम है हमारे पास बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने के लिए। हालांकि हमने अपने लेवल पे तैयारियां शुरू कर दी हैं, हमारे यहाँ एक ही जो कैंप लगता है जहाँ कहीं लोग ठहरते हैं, और एक दुर्गाधारी मंदिर में जितने भी क्वार्टर्स हैं वहाँ पर लोग ठहरते हैं, आश्रम में भी लोग ठहरते हैं। तो हमारी तरफ से पूरी पूरा प्रबंध है। अब इसके लिए अभी नेक्स्ट वीक में एक मीटिंग होने वाली है जहाँ सारे डिपार्टमेंट्स को बता दिया जाएगा जो जो उनके काम है वो काम करेंगे, और जहाँ कहीं लंगर लगते हैं वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी व्यवस्था हम लोग तैयारी करके बैठे हुए हैं।